कहता था राम सेतु को तोड़ देना चाहिए, जो कहता था इस देश के संसद लोगों का पहला अधिकार मुसलमानों का है, उस भारत को बदलने का काम मोदी जी ने किया है। सब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक मेरा निवेदन है आप लोगों से, एक मेरा निवेदन है आप लोग पीछे बैठ जाइए, हमारा कैमरा कुछ कैच ही नहीं कर पा रहा, आप लोग इतने आ गए कैमरा किसी की तक कुछ नहीं हो पा रहा, मुझे पीसीआर बोल रहा है। अमीर जी थोड़ा मैं आपका जवाब लूंगा, इसके बाद आप ही का लूंगा। आप मैडम बोलिए ना पीछे होने के लिए लोगों को, नहीं आज आप भी अपने लोगों को बैठ जाइए प्लीज, थोड़ा पीछे बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए ना। हाँ रोक दिया, रोक नहीं रोक दिया, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। देखिए मेरे पास भी उधर जगह नहीं बची, आप लोग कुर्सी पे बैठिए। देखिए देखिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे हैं। अमीर जी सारे युवा यहाँ पर आज बैठे हैं और ये बार बार जिस स्टार्टअप इंडिया का मजाक बनाते हैं ना कांग्रेस पार्टी के लिए, वो उस स्टार्टअप इंडिया का मजाक बनाते हैं जिसके कारण लाखों युवा उत्तराखंड के अंदर आज पिछले 3.5 साल के अंदर 99 स्टार्टअप, हमारे जो भाई पलायन करके चले गए थे वापस आकर वो स्टार्टअप चला रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने जो एक झुंझुना सरकारी नौकरी का पकड़ाया है युवाओं को, आज हमारे युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो ये उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, क्यों नहीं बनने देना चाहते सशक्त उत्तराखंड? मेक इन इंडिया का मजाक, मेक इन इंडिया तो इन सबका है, वो तो कांग्रेस का भी है, भाजपा का भी है, आम आदमी पार्टी का भी है, सबका है, भारत का है वो। देखिए मैं बताना चाहती हूँ, कैग की रिपोर्ट है साथियों की 97% हिंदुस्तानियों की आय में कमी आ गई है। मैं बताना चाहती हूँ 97% हिंदुस्तानियों की आय में कमी आ गई, ये कैग की रिपोर्ट है। फिर अगर इतना मेक इन इंडिया, अगर मेक इन इंडिया और शाइनिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इतना चल रहा था नेहा जी, तो जो 4 लाख प्रवासी हमारे उत्तराखंडी वापस आए थे, आपका पलायन आयोग कहता है सारे वापस चले गए। बताएं आप इतनी भुखमरी क्यों है, बताएं आप इतनी यहाँ गरीबी क्यों है, बताएं आप लोग इतने कष्ट परेशानी में क्यों है, क्योंकि उसके लिए 56 इंच का सीना नहीं, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए, क्योंकि वो मोदी जी के पास नहीं। ये मुझे समझ नहीं आता नरेंद्र मोदी पे पर्सनल कमेंट क्यों होता है, 56 इंच का सीना नहीं, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, ये मुद्दों पर उनको घेर नहीं सकते, विकास पर उनकी बात नहीं कर सकते, इसलिए केवल पर्सनल अटैक करते हैं। 53 गालियां दी थी इन्होंने 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को, और जनता ने जनादेश दे दिया, इस बार देखते हैं जो गालियां दे रहे कैसा जनादेश। नहीं नहीं एक एक इंपॉर्टेंट एक देखिए, कांग्रेस भी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस भी यहाँ मौजूद है, भाजपा भी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस भी यहाँ मौजूद है, भाजपा भी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस के भी समर्थक है, भाजपा के भी समर्थक है, लेकिन एक पार्टी यहाँ पर नहीं है, वो है आम आदमी पार्टी। अब आप अरे उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन लेकिन बताइए बताइए बताइए, मोदी जी ने इतने जुमले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जल से, और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया व्यवस्था बनाए रखे यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये माँ गंगा के जल को मैं अपने घर के मंदिर में रखूंगा, ये हरिद्वार का प्रेम है, ये हरिद्वार का प्रेम है, मैं इसको अपने अपने पास रखता हूँ, पूरे सम्मान पूर्वक मैं इसको रखता हूँ, इस माला को, और हर हर गंगे, हर हर गंगे। लेकिन देखिए आप इस गंगा मैया को बदनाम किया इन्होंने, कोरोना टेस्ट लगाया, इस गंगा मैया में लाशें तैरी है, इसी गंगा मैया में लाशें तैरी है, यहाँ के शमशान में गंगा मैया को नहर बता दिया था, गंगा अस्तित्व पर ही शंका पैदा कर दी थी, न गंगा को बख्शा, न हरिद्वार को बख्शा। एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब। अच्छा ये आम आदमी पार्टी किसका खेल खराब कर रही है, ये मैं जानना चाहता हूँ गरिमा जी, बताइए। वो किसी का खेल नहीं खराब कर रही, उसका कोई वजूद नहीं। क्या बात कर रही हैं आप, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार तो कोठियाल ला रहे हैं। नहीं अरविंद केजरीवाल बताए ना कि कोठियाल के पास टीम कहाँ है, एक एक करके सब वापस कांग्रेस। अच्छा बग्गा, अच्छा दिल्ली में आप दोनों की पॉलिटिकल पार्टी को, इससे मेरा संदर्भ है, आम आदमी पार्टी धो चुकी है, नहीं धोया, आपकी 0 सीटें आई, इनकी 8 हो गई, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आ गई लेकिन दिल्ली में नहीं आ पाई, अरविंद केजरीवाल क्या एक चुनौती है आप लोगों के लिए? मैं केजरीवाल जी की बात का जवाब दे देता हूँ। केजरीवाल जी ने कहा कोटियाल आ रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कोटियाल भी आ रहे हैं और रावत साहब भी आ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी के सीएम के शपथ समारोह में आ रहे हैं। अरविंद भाई बोलो, वो कहते हैं कि इस बार ही पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण होगा, कोटियाल भी आएंगे, रावत जी भी आएंगे। आप इनोवा से आए हैं? इनोवा से आए हैं? उसी इनोवा में भाजपा के जितने लोग हैं ना, भरकर जाएंगे, इतने ही विधायक इनके आ रहे हैं।
अच्छा कितने विधायक आ रहे हैं? जितने इनोवा में आप आते हैं पाँच छह बस उतने ही आ रहे हैं। जनता जान चुकी है जान चुकी आम आदमी पार्टी। रमेश जी मैं एक निवेदन अच्छा, आम आदमी पार्टी हमारे विजयपाल सजवाण गंगोत्री से कोठियाल जी कहीं दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। पर एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तो जीरो पे लाई आपको? हम तो अपने उत्तराखंड की बता रहे हैं ना आपको। दिल्ली से कोई मतलब नहीं गंगोत्री उत्तरकाशी नहीं सुनिए दिल्ली से मतलब। अभी आप गंगा किनारे यहाँ आए हैं, मैं आपको गंगोत्री मैया जहाँ गंगा चल रही है मैं वहाँ का बता रहा हूँ। हमारे विजयपाल सजवाण जी गंगोत्री से कोठियाल जी हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। नया 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 एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सिर्फ धर्म नगरी में हम बात कर रहे हैं तो बात हिंदू और हिंदुत्व की भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं? अमीर जी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में प्रासंगिक ही नहीं है। मैं एक शब्द बोल के भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगी, एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी। आप दोनों अच्छा इसमें कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हो गया आम आदमी पार्टी को लेकर। गठबंधन नहीं है और क्या, जनता बोल रही है, उत्तराखंड की जनता बोल रही है। उत्तराखंड की जनता फ्री वाली नहीं है, उत्तराखंड की जनता जुमलेबाज नहीं है। दिल्ली वाली जनता फ्री वाली नहीं, मेरी बात सुनिए अभी। मैं गरिमा जी की एक पॉइंट है, उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी जनता है, बिल्कुल ठीक। उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी जनता है, ये हम सब मानते हैं। हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। एक बात अमीर जी, अभी माँ गंगा का आप आचमन कर रहे थे, जिस माँ गंगा की बेइज्जती करी, जिस माँ गंगा की आज ये बात कर रही है राहुल गांधी जी, बाहर हो सकता है माफी मांग के गए हों। इनके हरीश रावत जी ने माँ गंगा को नहर घोषित कर दिया था, माफी मांगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हरीश रावत ने गंगा को नहर घोषित कर दिया, माफी नहीं। आप जानते हैं क्यों करा था? इसलिए क्योंकि वो सारे घर डिमोलिश हो रहे थे गंगा के चारों तरफ। नहर कर देंगे गंगा, गंगा का गंगा तो माँ है, गंगा का वजूद ना कोई, गंगा का वजूद ना कोई खत्म कर पाया है ना कर पाएगा, जैसे हिंदू सनातन धर्म का। जी 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 जी, जो हरीश रावत जी ने माँ गंगा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की सिर्फ एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए, कि आपको ध्यान होगा जुम्मे की नमाज में छुट्टी घोषित की थी, ये उसका पत्र मैं लेके आया हूँ, हरीश रावत जी की सरकार का ये पत्र मैं। ठीक है, क्यों क्यों पर जुम्मे की नमाज क्यों करी थी शुरू? देखिए ये बग्गा जी, इनके इनको गौर से देखिए साथियों, ये बग्गा जी वही हैं जिन्होंने ट्विटर पर हरीश रावत की लंबी सी दाढ़ी बढ़ा दी और टोपी पहना दी और चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया। वैसे ही ये चिट्ठी भी झूठी है, जैसे वो हरीश रावत झूठे थे, ये चिट्ठी भी झूठी है। आज गरिमा जी दूध की धूली बन रही है, नाली का कीड़ा नरेंद्र मोदी को इन्हीं कार्यकर्ताओं ने कहा था, नाली का कीड़ा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए बीजेपी की तरफ से ये सवाल आया कि क्या आप लोग वैक्सीन के नाम पे डरा रहे थे क्योंकि